तो भाई लोग यार, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि फ्री फायर यहाँ पर प्ले स्टोर से और आईफोन के ऐप स्टोर से हट चुकी है। और जो भी यहाँ पर एयरटेल सिम वाला, मतलब मेरा तो एयरटेल है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पता किया और मुझे पता चला कि जिसका भी एयरटेल का सिम है उसके मोबाइल में यहाँ पर गेम नहीं चल रही है और सभी के मोबाइल में प्ले स्टोर में फ्री फायर नहीं दिखा रही है। और जिसका भी जियो, वोडाफोन ये सब सिम है ना, उनमें चल रही है, लेकिन जिसका यहाँ पर एयरटेल है, एयरटेल वालों को नहीं चल रही है। तो एयरटेल वालों को मैं सोल्यूशन दूंगा, सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर मुझे लगा कि फ्री फायर मैक्स शायद से चल जाएगी, फ्री फायर नहीं चल रही है, प्ले स्टोर से हट गई है, इस वजह से यहाँ पर फ्री फायर नहीं चल रही होगी। इस वजह से यहाँ पर मैंने फ्री फायर मैक्स चालू की, लेकिन यहाँ पर फ्री फायर मैक्स भी नहीं चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एयरटेल का सिम है और एयरटेल के सिम में भी नहीं चल रही है। तो आप लोग कैसे चला गए? तो आप लोगों के लिए, आप लोगों को चलाने के लिए सिर्फ आपको आपके मम्मी पापा का या फिर आपके भाई का, फ्रेंड का, किसी का भी हॉटस्पॉट ले लेना है। उसके पास ध्यान रखना, उसके पास एयरटेल का सिम ना हो। अगर उसके पास एयरटेल का सिम होता है तो आप लोगों का यहाँ पर नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मैंने मेरे मम्मी के EMI के मोबाइल से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है और उनके पास यहाँ पर वोडाफोन का सिम है, VI का। तो यहाँ पर आप लोग देखना, यहाँ पर मेरा कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, आप इस ट्रिक को यूज करके यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। फिर यहाँ पर एक बार आपका ऐसा लॉगिन हो गया ना, फिर आप यहाँ पर वाईफाई बंद कर दोगे फिर भी चलेगा। यहाँ पर देखना आप लोग, वाईफाई मैंने बंद कर दिया, अभी मेरा एयरटेल का सिम है और एयरटेल का LTE आ गया। अभी एयरटेल के LTE से यहाँ पर मेरा लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पर राउंड घूम रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर बेहतरीन बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पर मेरा लॉगिन हो चुका है और अभी यहाँ पर मेरा पिंग भी नहीं आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ, गेम को बैकग्राउंड से बंद कर देता हूँ, तो मुझे फिर से एक बार वाईफाई की जरूरत पड़ेगी, हॉटस्पॉट की। आपके मम्मी पापा का हॉटस्पॉट ले लेना ताकि आप लोगों को आसानी हो। फिर चालू करके बंद कर देना, सिर्फ आप लोगों को वो लोडिंग स्क्रीन आती है उसी को ही, मतलब उसी को ही क्रॉस करना है, उसके बाद आपका एयरटेल के सिम में चल जाएगी। अगर आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं।